चीन अब पाकिस्तान को ना तो कोई लोन दे रहा है और ना ही पुरानी परियोजनाओं को पूरा कर रहा है। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की महत्वपूर्ण मेन लाइन वन परियोजना की मंजूरी को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार की अध्यक्षता में हुई पाकिस्तानी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6.7 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन चीन ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे। उनकी यात्रा का मकसद सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए फंड की मांग करना ही था, लेकिन शरीफ को जिनपिंग ने खाली हाथ वापस लौटा दिया था। साथ ही चीन ने पाकिस्तान को ML1 परियोजना को फेज वाइज पूरा करने की सलाह भी दे दी थी। सीपीईसी के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक 1872 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान रेल मंत्रालय ने इस रेलवे लाइन की दूरी को घटाकर 1726 किलोमीटर कर दिया था। बीजिंग ने इस परियोजना का बजट जो है वो घटाकर 6.7 अरब डॉलर करने के लिए कहा था। चीन ने कहा था कि रेलवे लाइन की गति सीमा, लाइन क्षमता और रोलिंग स्टॉक के अलावा एक्सल लोड को भी कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के योजना आयोग को ये बदलाव सही नहीं लगे, जिसके बाद इस परियोजना को सरकार से मंजूरी ही नहीं मिली। दरअसल कोरोना के बाद से ही चीन की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन के कुछ बैंक बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए चीन दुनिया भर में उसकी परियोजनाओं पर अब धीमी गति से काम कर रहा है और गैर जरूरी परियोजनाओं के लिए बजट नहीं दे रहा है। तो ये स्थितियां चीन को लेकर भी उजागर हुई हैं और पाकिस्तान के लिए तो बड़ा झटका है ही, क्योंकि जो लगातार निवेश चीन से पाकिस्तान को मिल रहा था अब उसकी गति धीमी कर दी गई है। कुछ परियोजनाओं को रोक दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी हालत वैसे ही खराब हो रही है।